इग्नू में जो भी छात्र जियोग्राफी में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं ऐसे छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी खबर इग्नू के तरफ से आया है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यह इंतज़ार था कि इग्नू में जियोग्राफी का कोर्स शुरू किया जाए जो कि अभी तक नहीं था। तो इग्नू ने मास्टर ऑफ साइंस जियोग्राफी का कोर्स संचालित कर दिया है इस सेशन के लिए, जिस सेशन में मैं वीडियो बना रहा हूँ इस सेशन में ही शुरू किया गया है। इसके पहले अभी तक इग्नू में कोई भी जियोग्राफी कोर्स नहीं था। तो चलिए आपको मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बता दे रहा हूं, इसके बाद लाइव आपको मैं चलूंगा और सारा डिटेल दिखाऊंगा कि क्या पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या करना होता है, फीस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ बताऊंगा और एडमिशन कैसे होगा यह भी लाइव चल के मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करें। देखिए जो इग्नू एडमिशन है इसका जो कोड है MScGG मास्टर ऑफ साइंस जियोग्राफी। एडमिशन जो प्रक्रिया है पूर्णतः आप सभी जानते हैं या जान लीजिए ऑनलाइन होता है। इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो, चाहे एडमिशन हो, फीस पेमेंट हो वगैरह। इसके बाद प्रोग्राम टाइप है, ये डिग्री टाइप है कि डिग्री जो उपाधि कहा जाता है वो मिलता है। ड्यूरेशन इसका 2 साल का है, कोई भी जो PG कोर्स होता है वो 2 वर्ष का होता है, लेकिन इग्नू आपको 4 वर्ष का मौका देता है कि अगर आप मान लीजिए 1 वर्ष गैप कर देते हैं, 2 वर्ष गैप कर देते हैं तो 4 वर्ष के अंदर आपको यह डिग्री कंप्लीट करना होगा। इसके बाद एज की बात करें तो इसमें एज का कोई सीमा इग्नू ने नहीं दिया है, अभी लाइव आपको मैं दिखा रहा हूं। कोर्स फीस की बात करें तो 28,000 रुपया अभी है, ठीक है। ये जिस सेशन में वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है 1-2 साल बाद ये बढ़ जाएगा। प्रति वर्ष आप 14,000 रुपया फीस पेमेंट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस, अन्य जो लैब वगैरह प्रैक्टिकल का लगेगा वो अलग विषय है। डॉक्यूमेंट में आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए हाई स्कूल का, इंटर का और ग्रेजुएशन स्तर का जितने भी मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो लगाना होगा। TC और माइग्रेशन कोई इग्नू में एडमिशन के लिए अनिवार्य नहीं होता है। डिजी लॉकर में आपका कोई डॉक्यूमेंट है वो भी आप लगा सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, यानी ये MSc भले ही मास्टर ऑफ साइंस है जियोग्राफी, लेकिन आपको यहाँ पे एनी स्ट्रीम केवल ग्रेजुएशन आपने किया है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ना साइंस, नॉट BCOM, एग्रीकल्चर, किसी से भी मतलब नहीं है, बस आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। मीडियम की बात करें तो मीडियम केवल इंग्लिश है, और जब आप एडमिशन लेंगे तो इसका जो स्टडी मटेरियल है वो भी इंग्लिश में ही मिलेगा। तो ये आप एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, जो भी छात्र एडमिशन लेंगे ये केवल इंग्लिश में ही संचालित होने वाला कोर्स है। तो चलिए लाइव आपको मैं अपने मोबाइल में दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम जियोग्राफी कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी ले लें, इसके बाद मैं आप सभी को एडमिशन पोर्टल पर ले चलूँगा, इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेके चलूँगा। देखिए मास्टर ऑफ साइंस इन जियोग्राफी इसका जो कोड है MScGG, इसके बाद यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मिनिमम ड्यूरेशन 2 ईयर, मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 ईयर, कोर्स फीस 28,000, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज वगैरह सब खाली है। एलिजिबिलिटी जैसा मैंने बताया, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, इसके बाद मीडियम इंट्रोडक्शन नोट यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद ये जो यहाँ पे देख रहे हैं हम, संपूर्ण कोर्स के बारे में डिटेल मिल जाएगा। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है, जॉब प्रोस्पेक्टस है, इसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, सेमेस्टर वाइज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम मान लीजिए ईयरली होगा या सेमेस्टर होगा, आप अपने स्टडी सेंटर से संपर्क कर लीजिएगा कि भले ही ये सेमेस्टर है तो क्या इसका जो एग्ज़ाम है वो वर्ष में 1 बार होगा या वर्ष में 2 बार होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं कि उनका सिलेबस जो है वो सेमेस्टर पर रहता है लेकिन एग्ज़ाम ईयरली होता है, यानी वर्ष में 1 ही बार होता है। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये पहली बार कोर्स जो है वो संचालित हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको जियोग्राफी के विषय में मिल जाएगा। इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जियोग्राफी कोर्स डिटेल करके उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद चलिए आप एडमिशन पोर्टल पर मैं लेकर चलता हूँ कि कैसे आप एडमिशन करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एडमिशन पोर्टल का भी मैं अलग से दूंगा। इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ जो न्यूज एंड अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे देखिए लिखा है फ्रेश एडमिशन फॉर जुलाई 2023 सेशन इज ओपन फॉर आल प्रोग्राम फॉर ऑनलाइन एंड ओडियल मोड। जो जियोग्राफी है वो ओडियल मोड है, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग, इसी मोड में यह कोर्स संचालित है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया होम पेज खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्रेश एडमिशन फॉर जुलाई 2023 साइकिल ओडियल डिस्टेंस प्रोग्राम, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के ये आ जाएगा। देख रहे हैं ये इग्नू का एडमिशन पोर्टल है, इसका अलग वेबसाइट का नाम रहता है, ठीक। डायरेक्ट आप यहाँ आ जाएंगे, या फिर एक और तरीका है, मान लीजिए यहाँ पे ये न्यूज़ अलर्ट वाले में
ये लिंक कभी कभी हट जाता है, तो यहाँ पे आप आएंगे रजिस्टर ऑनलाइन में, इस पर आप क्लिक करेंगे फ्रेश एडमिशन, तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद लास्ट डेट देख रहे हैं 30 जून 2023, इसका लास्ट डेट भी बढ़ते रहता है। इसके बाद आपको यहाँ सबसे ऊपर मिल जाएगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको पासवर्ड, एक यूजर आईडी मिलेगा। इसके बाद जब आप करेंगे तो यहाँ पे नीचे जब आएंगे, बैक करके आइएगा, तो यहाँ पे सबसे नीचे जब आएंगे तब यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर, यानी कि जब आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा तब यहाँ डाल के ये कैप्चा भर के लॉगिन करेंगे, तब आप एडमिशन फार्म पूर्ण रूप से भर पाएंगे। इसके बाद जियोग्राफी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ये प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए आपको कोड मालूम नहीं है तो इसमें आप ढूंढ सकते हैं, ए से बी से इसके बाद पी डिप्लोमा वगैरह करके आता है। लेकिन मान लीजिए कोड हमने बताया है, जैसे कोड है कि यहाँ पे सर्च करेंगे MACGG, जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ये खुल के आ जाएगा मास्टर ऑफ साइंस जियोग्राफी, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, फ़ोन नंबर वगैरह भी आप बात कर सकते हैं। इस तरीके से आप इग्नू में MSc जियोग्राफी में एडमिशन ले सकते हैं। अन्य कोई भी जानकारी चाहिए आप इग्नू के बारे में तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपने स्टडी सेंटर से, रीजनल सेंटर से या इग्नू के ऑफिस में भी फ़ोन करके बात करके अन्य जानकारी ले सकते हैं।